दोस्तों नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सबके साथ बना के शेयर करने जा रही हूँ आलू भिंडी कोस्ता ग्रेवी सब्जी रेसिपी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, तो पूरा देखिएगा दोस्तों रेसिपी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचे। चलिए मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो सामग्री ली हूँ वो मैं आप सबको बता देती हूँ। मैं ली हूँ 250 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ करके और दो दो टुकड़ों में कट कर लिया है। हमारा मीडियम साइज़ का भिंडी था जिसको मैंने दो दो टुकड़ों में कट कर लिया है। दो मीडियम आलू लिया है जिसको मैंने लंबे आकार में इस तरह से कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने पतला आकार में कट कर लिया है। एक छोटा टमाटर जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 25 ग्राम पोस्ता जिसको मैंने पानी में लगभग आधा घंटा से भिगो के रखा है। इसको मिक्सर जार में पीसना है, पानी में भिगाने से ये अच्छी तरह से पीस के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो कढ़ाई में हमने 2 चम्मच सरसों तेल ऐड कर दिया है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है, तो अब इसमें हम हमारे कटे हुए भिंडी को ऐड कर देंगे। ऐड करके थोड़ा देर चला लेंगे और एक ढक्कन डाल के लो फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटा के अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे, तो देखिए ये थोड़ा फ्राई हो चुका है। तब इसमें हम 2 से 3 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच नमक ऐड करके अच्छी तरह से नमक हल्दी को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और ढक्कन डाल के फिर से लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। फिर से लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो हम ढक्कन हटा के और चला के चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम चला रहे हैं, तो देखिए भिंडी लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब हम बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट और लो फ्लेम पे बिना ढक्कन का फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा भिंडी और थोड़ा देर फ्राई हो रहा है तब तक हम अपना कोस्तों को पीस के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कोस्तों हमारा कितने अच्छे से फूल चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में ऐड कर दिए हैं और कटोरा में 2 चम्मच पानी लेके और इसमें ऐड करके और पीस के और लाते हैं। पिस्ता को हम पीस के ले आए हैं दोस्तों, तो देखिए पिस्ता कितनी अच्छी तरह से पीस के तैयार हो चुका है। तब इसको हम साइड में रख देते हैं और हमारी भिंडी को चेक कर लेते हैं। हमने भिंडी को बीच बीच में चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर बिना ढक्कन का फ्राई कर लिया है। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तब इसे हम एक अलग बर्तन में उठा लेते हैं और अगला प्रोसेस में चलते हैं। डीप फ्राई को हमने एक अलग बर्तन में उठा लिया है और कढ़ाई में हम फिर से 4 से 5 चम्मच सरसों तेल ऐड कर दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तब इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों और 1 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और सारी चीज़ को अच्छी तरह से चटकने देंगे। सारी चीज़ हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है, तब इसमें हम कटे हुए आलू को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो देखिए आलू हमारा हल्का फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करके लगभग 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आलू के साथ फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमने आलू के साथ लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज भी हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे।
नमक हल्दी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चलाते हुए नमक हल्दी को मिक्स करते हुए लगभग एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हल्दी ऐड करने के बाद आलू और प्याज को हम फिर से एक मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। तब इसमें हम कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करके चलाते हुए लगभग दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से चलाते हुए दो मिनट तक पका लिया है। देखिए अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, सारी चीज़ हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करके दो चम्मच पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए लगभग दो मिनट तक मसाले को भूनेंगे, जब तक मसाले अच्छी तरह से भून ना जाए। मसाला ऐड करने के बाद हम चलाते हुए दो मिनट तक मसाले को भून लिया है। अच्छी तरह से मसाला भून चुका है। तब इसमें हम हमारा फ्राई किया हुआ भिंडी को भी ऐड कर देते हैं। भिंडी को ऐड करके मसाले के साथ लगभग एक मिनट तक भून लेते हैं। भिंडी को भी हम मसाले के साथ एक मिनट तक फ्राई कर लिए हैं और ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दो छोटा कटोरा पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। पानी ऐड करके अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक पकने देंगे। सब्जी में एक बॉयल आ चुकी है, तब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और मीडियम फ्लेम करके और थोड़ा देर लगभग दो मिनट तक पकने देंगे। सब्जी को हमने फिर से लगभग दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। तब इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो देखिए आलू भी हमारा बॉयल हो चुका है और सब्जी हमारा अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है। हम गैस के फ्लेम को लो पे कर देंगे और हमने जो पोस्ता पीस के रखा है उसे सब्जी में ऐड कर देंगे। पोस्ता ऐड करते समय दोस्तों गैस के फ्लेम को लो पे कर दीजिएगा, नहीं तो पोस्ता फट जाएगा और सब्जी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए पोस्ता को सब्जी में मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। पोस्ता ऐड करने के बाद हम एक मिनट तक सब्जी को और पका लेंगे दोस्तों। और देखिए पूरा पक के तैयार हो चुका है। आलू भिंडी पोस्ता ग्रेवी सब्जी बनके हमारा पूरा तैयार है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ा देर के बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने सब्जी को सर्व कर लिया है। देखिए सब्जी देखने में कितना टेस्टी लग रही है, जितना देखने में टेस्टी लग रही है उससे भी ज़्यादा टेस्टी खाने में लगती है। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से भिंडी आलू पोस्ता ग्रेवी सब्जी बना के ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोई अगली रेसिपी वीडियो के साथ आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।